इसके अंदर तो यार जा नहीं पाएंगे क्योंकि ये छत बहुत गर्म है। और गाइस डब्बा बिल्कुल खाली हो गया है ये देखो, और जहाँ तक हमसे हो सका है हमने मस्त पेंट किया है। रात में इसको पकड़ने में और भी मजा आता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी हम जा रहे हैं छत पे जो लोहे की दरवाजा है उसको पेंट करने के लिए, क्योंकि फैमिली काफी दिन से कह रही है प्राइमर लगा दिए दरवाजे में, पेंट कब करोगे। तो फाइनली आज चलते हैं मस्त उस दरवाजे को पेंट करते हैं। और इस डब्बे में पेंट था तो इसमें से हम निकाल के इस डब्बे में रख लिए हैं, क्योंकि इसमें हम एक और तेल मिला है, अगर हम इसमें मिलाते तो तेल और पेंट इसमें आता नहीं, इसलिए हम इसमें से निकाल के हम इसमें रख लिए हैं और अच्छे से तेल और पेंट मिक्स कर लिए हैं। और छत पे लोहे की दरवाजा पेंट करना है और एक जंगला है और छत पे सोलर फिट है, एंगल भी पेंट करना है। तो देखते हैं भाई इतने पेंट में हम दरवाजा, जंगला और एंगल पेंट कर पाते कि नहीं, क्योंकि हम दरवाजा पेंट करेंगे दरवाजे में काफी समय लगेगा और दरवाजे में पेंट की खपत ज्यादा होगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं दरवाजे से। प्राइमर हमने दरवाजे पे मस्त लगा दिया है और ये देखो इतना दिन हम छोड़ दिए ना भाई छत पे, ये देखो जंक आ रहा है। तो अब पेंट कर देंगे ना तो अब इसमें जंक नहीं आएगा, ये देखो हल्का फुल्का अब जंक आ रहा है भाई साहब। इसके पीछे जो बचा हुआ है ये आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत वहाँ है। और ये उठाते हैं भाई पेंट और लग जाते हैं अपने काम पे। दरवाजा पेंट करते हैं, जंगला पेंट करते हैं और छत पे जो एंगल है उसको पेंट करते हैं और देखते हैं इतने सारे पेंट में हम ये तीनों आज कवर कर पाते हैं कि नहीं। तो चलो मस्त स्टार्ट करते हैं दरवाजे से। गाइस इस पेंट में हमने ऑयल काफी मिला दिया है इसलिए ये देखो पतला हो रहा है भाई, अंदाजा नहीं था लेकिन चलो जो भी है पेंट करते हैं भाई। और अच्छा भी लग रहा है पेंट करने में। पेंट करते करते ना भाई हम सीख गए यार। गाइस हम दरवाजे पे पेंट लगा रहे हैं, बहुत ही पतला हम इस पेंट को गाइस मिला दिए हैं, हमें अंदाजा नहीं था कि हम ज्यादा ऑयल मिलाएंगे, तेल मिलाएंगे इस पेंट में तो ये पतला होगा। ये देखो हल्का हल्का ना ये दिख रहा है भाई, काफी पतला हमने कर दिया है ये देखो। चलो जो भी है जैसा भी है पेंट कर देते हैं भाई, जितना हमसे हो रहा है उतना हम कर रहे हैं। पेंट तो हम कर रहे हैं, छत पे है मुर्गा बेचैन है, सोच रहा है ना कि हम इनको जाके काट दें, लेकिन चलो पेंट करते करते मुर्गा से थोड़ा बहुत लड़ाई भी करते हैं क्योंकि इंटरटेन बहुत जरूरी है। और ये आप देख सकते हैं ये सब मुर्गा के लिए रखा गया है भाई, खाने के लिए ये सब सूख रहा है और ये ना घूम घूम के भाई छत की ना हालत खराब कर दी है। मुर्गा मुर्गी वहाँ है और मुर्गा से देखते हैं लड़ाई करते हैं वो हमसे भिड़ रहा है कि नहीं, लड़ाई कर रहा है कि नहीं। चलो गाइस मुर्गा को आप देख सकते हैं, मुर्गा काफी बड़ा हो गया है और ये अभी हमसे लड़ नहीं रहा है, पता नहीं इसके मूड में लड़ाई है कि नहीं यार, ये हमको देख के ना भाग रहा है भाई। और छत पे अगर फैमिली कोई आती, फैमिली को मुर्गा टिकने नहीं देता है भाई, चाहे उनके हाथ में स्टिक हो या ना हो, स्टिक रहता है तभी मुर्गा दौड़ा देता है उन लोगों को, इसलिए छत पे कोई नहीं आता है, बच्चे भी नहीं आते हैं, सिर्फ जो भी काम रहता है हम आते हैं या अगर फैमिली को जरूरत होता है कुछ किसी चीज छत पे डालने के लिए तो उनके साथ हम आते हैं भाई, किसी दिन हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल चलो पेंट करते हैं। ऐसे पेंट हम इतना पतला कर दिए हैं, आसानी हो रही है ब्रश चलाने में, अगर ये पेंट गाढ़ा होता तो ब्रश चलाने में ना दिक्कत होती, अभी हम इतना में ही अटके होते, लेकिन ये पेंट पतला हो गया है तो मस्त ब्रश चल रहा है और पेंट भी अच्छा हो रहा है और मस्त हम सीख भी रहे हैं इससे पेंट करते करते ना भाई, अब आदत सी पड़ गई है और बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है।
ये देखो काफी मस्त लग रहा है। गाइज ऐसा लग रहा है इतने पेंट में हम दरवाजा, जंगला और एंगल हम पेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी दरवाजा हमने इतना सारा किया है, इतना में ही आप पेंट देख सकते हैं भाई साहब, इतना कम हो गया। चलो देखते हैं कितना पेंट लगता है भाई इस दरवाजे को कंप्लीट करने में। गाइज ऐसा लग रहा है हमने दरवाजा मस्त पेंट कर दिया, लेकिन हमने सिर्फ एक तरफ की पेंट किया है, अभी एक तरफ की बाकी है। चलो उसको पलट के फिर पेंट करते हैं। गाइज ये आप देख सकते हैं, जब से हमने प्राइमर किया है तब से इस दरवाजे को हमने टच भी नहीं किया है। आज हम पेंट करने आए तो इस दरवाजे को टच कर रहे हैं और पेंट भी कर रहे हैं। और ये देखो भाई साहब कितना सारा इस पे धूल लगा हुआ है वो भाई। तो चलो इसको कपड़े से साफ करते हैं, और थोड़ा बहुत प्राइमर कम हो गया था तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, तो आज सब पेंट कर देते हैं भाई। ऐसे पेंट करने में आसानी हो रही है भाई। हाय दरवाजा बहुत गर्म है यार, और धूप काफी तेज निकली हुई है। गाइस थक जा रहे हैं, थोड़ा और बाकी है, हालत खराब हो गई है गाइस एक दरवाजा पेंट करने में। गाइस फाइनली दरवाजा हमने मस्त पेंट कर दिया है, ऊपर का भी और नीचे का भी आपको मस्त दिखा रहे भाई, ये आप देख सकते हैं। गाइस इस दरवाजे को पेंट करने में काफी समय लगा है, और पेंट को हमने काफी पतला कर दिया था तो आसानी से ना इस दरवाजे को हम पेंट कर पाए। अगर ये पेंट गाढ़ा होता तो इस दरवाजे को पेंट करने में काफी समय लगता, फिलहाल मस्त हमने पेंट कर दिया है। तो चलो भाई यहाँ से चलते हैं एंगल पेंट करने और जंगला पेंट करने। फिलहाल जो मेरे पास अभी पेंट बचा हुआ है, कहाँ है भाई ये देख सकते हैं भाई, बहुत कम है यार। आप देख सकते हैं भाई थोड़ा बहुत और पेंट बचा हुआ है, और दरवाजा हमने मस्त अच्छे तरीके से पेंट कर दिया है, थोड़ा बहुत ये बाकी है। अब हमें जाना है गाइस सबसे टॉप पे एंगल पेंट करने के लिए, जो भी थोड़ा बहुत दिख रहा था इधर हमने मस्त पेंट कर दिया है। और आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा ब्लैक हो गया है, और इसके अंदर भी आप देखो भाई मस्त शानदार हो गया भाई साहब, मस्त पेंट कर दिया, अच्छा लग रहा है अब ये दरवाज़ा। गाइस इस एंगल पे प्राइमर लगाए हुए काफ़ी दिन हो गए, और ये देखो एंगल पे जंग भी आ रहा है, तो इस एंगल पे पेंट लगा देंगे तो बारिश कितना हो तेज आएगा इस एंगल का कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि पेंट लग जाएगा तो इस पे जंग बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलो मस्त पेंट हमारे पास ही है और इस एंगल पे पेंट लगाते हैं यार। पेंट को हमने पतला कर दिया ना, ये देखो काफी गिर रहा है भाई। गाइस इस एंगल को पेंट करने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमको बस ऊपर ही ऊपर चारों तरफ से हमको पेंट लगाना है। अब इसके अंदर तो यार जा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये छत बहुत गर्म है और सन बहुत तेज निकला है यार, धूप काफ़ी तेज हुई है। चलो यार बात ना करते हैं, फटाफट काम निपटाते हैं। भाई धूप में अगर कोई काम करूँ ना यार अच्छा लगता है, लेकिन हालत खराब हो जाती है भाई। फिलहाल मेरी हालत इस समय बहुत खराब है, लेकिन काम कर रहे तो अच्छा भी लग रहा है यार।
गाइस एंगल के चारों तरफ हमने मस्त पेंट लगा दिया है और अब हमें पेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसके नीचे हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये फर्श बहुत गर्म है, धूप काफ़ी तेज हुई है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार हो गया भाई, मस्त। थोड़ा बहुत और पेंट बचा हुआ है, अब पता नहीं इतने में होगा कि नहीं यार। चलो ये पेंट लेकर अब नीचे जंगला को पेंट करते हैं भाई। जंगला पे हमने प्राइमर नहीं लगाया हुआ है। गाइस इसी जंगले को हमें पेंट करना है और मेरे पास जो पेंट बचा है आप देख सकते हैं बहुत कम है यार, पता नहीं होगा कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई जल्दी पेंट हो जाए यार, इतना समय लेगा भाई। गाइस मेरा टारगेट लग रहा है पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमने सोचा था दरवाजा, ऊपर की एंगल और ये जंगला तीनों मस्त पेंट कर देंगे, लेकिन पेंट खत्म हो गया। तो किसी तरह इसको हम मेंटेन कर रहे हैं, देखते हैं भाई कहां तक हम इस जंगले को पेंट कर पाते हैं। खत्म गाइस, डब्बा बिल्कुल खाली हो गया है ये देखो, और जहाँ तक हमसे हो सका है हमने मस्त पेंट किया है। ये जंगला है भाई इस रूम की, और बाहर से आपको दिख रहा है बिल्कुल ब्लैक है, लेकिन इसकी आप अंदर जाएंगे, अंदर से आप देखेंगे ना तो पेंट नहीं है, सिर्फ बाहर से हमने पेंट किया है। और इसमें भी देखो भाई ये सब बाकी है यार, ये देखो ऊपर का हिस्सा सब बाकी है, सिर्फ हमने बाहर से ये पेंट किया है, क्योंकि बारिश की जो धाराएँ आती है ना काफ़ी तेज आती हैं और इधर से ना रूम की तरफ जाती हैं, तो इसलिए हमने बाहर बाहर हमने पेंट कर दिया है। तो चलो अंदर से हम आपको दिखाते हैं भाई, अंदर से आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि उधर से लाइट आ रही है और ब्लैक ही दिख रहा है यार, लेकिन ये अंदर से ना हम पेंट नहीं किए हैं, हम सिर्फ बाहरी बाहर पेंट किए हैं। और अब देखते हैं भाई अंदर का हम कब पेंट करते हैं, क्योंकि पेंट खत्म हो गया, प्राइमर खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल जो मेरा टारगेट था हम टारगेट कम्प्लीट नहीं कर पाए। मेरा टारगेट ये था, एक दरवाजा था, ऊपर का एंगल था और ये जंगला था। एंगल दरवाजा हमने कंप्लीट कर दी, लेकिन रूम की जंगला हम कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि पेंट खत्म हो गया, और आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे काफी सारा पेंट लगा हुआ है। फिलहाल चलो चेंज करते हैं भाई। गाइस यहाँ पर पेंट लगा हुआ है, हम देखे नहीं है, मिरर में आए देखे हैं, यहाँ तो काफी पेंट लगा हुआ है। और चलो मस्त नहा के मिलते हैं हम आपको। आसिफ आओ दिखाते हैं बकरी का बच्चा कहाँ बैठा है। ये देखो भाई साहब कितना मस्त आराम कर रहा है। वो देखो देखना भागे मैं, सुला दो उसको। अरे छोड़ दो हाँ छोड़ दो अभी आराम से। हाँ अरे इसको छोड़ो ना, देखो कहाँ जा रहा है। अरे भाई साहब ये देखो मस्त, अरे रात में इसको पकड़ने में और भी मजा आता है। ये देखो अपनी माँ के पास आ गया। सो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब करना, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।